जो हमने एप्लीकेशन लेने का समय तय किया है और सभी पंचायतों में एक नोडल अफसर रहेगा, वहाँ का सचिव रहेगा और उसका रजिस्ट्रेशन 3 दिनों तक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास 45 दिन समय रहेगा। अलग अलग विभागों से, वो चाहे ब्लॉक लेवल का हो, जिला लेवल का हो, प्रदेश स्तर का हो और संबंधित विभागों को वो जाएगा और उसके बाद उसका निराकरण फिर 45 दिन बाद जब हमारी यात्रा चलेगी सभी विधायकगण, सांसद, मंत्री, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के, उसमें 5-5, 7-7 पंचायतों को बीच में एक एक जगह पे समस्या निवारण शिविर, जो एप्लीकेशन का निराकरण का, वहाँ पे खड़े होके बताएंगे नोडल अफसर की ये 100 समस्या में से 40 का समाधान हुआ, बाकी को बजट के लिए रखा गया और कुछ जो है रिजेक्ट किया गया। और जो छोटे मोटे रोजगार मूलक काम होते हैं, जो समस्या मूलक होते हैं, सॉयल टेस्ट का है, जमीन के नामांतरण का है, फौती का है, बिजली के कनेक्शन का है, गांव में यदि पेयजल का संकट है उसका निराकरण का है, राशन के दुकान का है, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन जो संभव है, इन सभी कामों का निराकरण, जो गांव के छोटे छोटे काम है, जमीन के पट्टे का है, हमारे सौर सुजला और उज्ज्वला योजना में जो हितग्राही मूलक काम है, आवास जो 2 लाख बटना है उसका वहीं पे वितरण का काम अंतिम रूप से कर दिया जाएगा, ताकि बारिश के पहले हम पूरे समस्याओं के जितना संभव हो सकता है सघन दौरा करके एक एक पंचायत में और पंचायत के साथ साथ ब्लॉक लेवल में अलग अलग 10-10 स्थानों में शिविर होंगे और इसमें हम सब उस यात्रा में रहेंगे। जब 3 तारीख से हमारी यात्रा अप्रैल से शुरू हो जाएगी उस यात्रा में समाधान होगा। शराबबंदी बोनस को लेकर भी हमला करेंगे, शराबबंदी मेन मुद्दा रहेगा, तो शराबबंदी को लेकर सोच रही सरकार? एक हमने 11 सदस्यीय टीम बनाई है, उनका अध्ययन दौरा होगा, अध्ययन के बाद फिर आगे हम और निर्णय ले सकते हैं, मगर बड़े समस्या का समाधान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा, उसमें कहीं कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, इतना इस मुद्दे को लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत है। सरकार सोचती है, चिंता करती है।